तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। आज संडे है, 9 बज चुके हैं, अभी बाजरे की खिचड़ी बन रही है, उसका प्रोग्राम चल रहा है। देखते हैं घर पे क्या हो रहा है, घर पे चलते हैं। ये मटकू भाई की साइकिल खड़ी है। मटकू भाई आ जाओ, बाजरे की खिचड़ी कूट रहे हैं। हाँ, परात कटोरी और छलनी, पोया तो शानदार बने। देखो देख के आ रहे हैं बिस्कुट, अब देखना उसका क्या रिएक्शन रहता है। ये देखो ये बैठा है शैतान यहाँ पे, आगे आगे किसका के रखना, मजा आ गया होगा इसे। हिंदी में बताओ। सबसे पहले तो ये उखड़ होता है, मूसल होता है। हाँ। इस मूसल को पकड़ लो। हाँ। और फिर जोर जोर से इसके अंदर ऐसे मारो। गलत तरीके से मार रहे हो आप, ऐसे नहीं। ये उधर वाला हाथ बीच में लगाओ। कौन सा? वो वाला। हाँ, और ये वाला हाथ नीचे यहाँ रखो, नीचे नीचे। हाँ, और छोड़ दो, अब नीचे आते वक्त छोड़ दो उसको, ऊपर उठा के। हाँ, 69 79 67 68 86। ये यहाँ पे हमारे भाई साहब कूट रहे हैं, हैं बाजरे को, बाजरे को। क्या गुनाह कर दिया बाजरे ने? उसके खिचड़ी खाने के लिए। मामा जी क्या कर रहे हो? लुक्सी उतार रहे हो, छान रहे हो आप? लुक्सी को और कूटे हुए बाजरे को अलग कर रहा हूँ। दोबारा कुटाई होगी इनकी, बहुत बदमाशी करता है ये बाजरा। मामा जी अभी अभी क्या बोला आपने? ये जो खिचड़ी बन गई है। हाँ। कहते हैं कि जब सब्जी काटते हैं तो उनका छिलका नहीं डालना चाहिए बाहर, उसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं। लेकिन ये बाजरे को कूट रहे हैं, सारा प्रोटीन विटामिन तो गाय भैंस को चला जाएगा, अपने पास क्या रहेगा? अपने पास ऐसे मामा, इसका हलवा बना देना मामा को। हाँ, अपने पास मामा जी रहेंगे, लोग शिकाल वो खाने के लिए मामा जी रहेंगे। आज नया आविष्कार करेंगे अपन, प्रोटीन विटामिन मामा जी को। ये उतर रही है ना, इसको घी में सेक करके हलवा बनाएंगे आज। ठीक है, मामा जी खाएंगे पूरा हलवा। टेस्ट तो सबको ही करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बनाओगे भी आप ही? हाँ, बना तो लूंगा मैं, पर टेस्ट सबको करना पड़ेगा। आज बाजरा रो खिचड़ो बनाया जा रहा है, जो कि राजस्थान का एक फेमस भोजन है। अभी 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 मामा जी कह रहे थे कि इसकी एक शर्त है कि बिना नहाए तो ही बनाना पड़ता है इसको। इसका मतलब मामा जी आज खुद नहीं नहाए हुए हैं। क्या करोगे इसका? ऐसे ऐसे करेंगे इसमें, ऐसे ऐसे करेंगे। आपको आता है ऐसे ऐसे करना? बाजरे की कुटाई पूरी हो गई है, लूप से उतर गई है, सामान अंदर रखता है मटकू भाई साहब। इतना भारी नहीं है, आप सोच रहे हो भी बहुत भारी है, हल्का सा है। नहीं करोगे भाभी? ट्राई तो करो, बहुत हल्का है। ट्राई टू डू दिस, यू कैन। अरे इनसे तो यही नहीं सम रहा। इसी से मारोगे ना भाभी? Yeah! भाई साहब गए, हमारे मामा जी को देखो कैसे आ रहे हैं। आओ मामा जी। काम कर रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत करता हूँ, पूरे दिन यही काम करता हूँ, मेरी इधर से उधर उधर। ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, इसको सपोर्ट करो। क्या कर रहे हो? अब बताओ क्या कर रहे हो? खिचड़ी। ये देखो ये क्या लवासा बना दिया इसका। मशीन आपने कहीं नहीं देखी होगी, हमारी मिक्सी की एक ही दांत है, एक दांत है, बाकी तीन दांत टूट चुके हैं, फिर भी ये चल रही है। हाँ, बढ़िया पीसती है तो सब कुछ बढ़िया पीसती है। नमक मिक्सी में पिसा हुआ बाजरा, बाजरा है उसमें मिक्स किया जा रहा है, बाजरे के खिचड़े की तैयारी करते हुए। इसमें थोड़े से सफेद तिल भी डालेंगे, थोड़े 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 से ही डालने पड़ते हैं तिल। नमक भी डालिए, कितनी चम्मच और डालो? थोड़ा पानी बिल्कुल उबल करके तैयार हो गया है, बिल्कुल पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो इसमें गिठलियां पड़ जाती हैं। बन गई खिचड़ी, खा लो दोस्तों। अभी कहाँ बन गई, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आज। और ये लात मारने लग गई है लोग सी। और मेरे तो इसकी एक लात कंधे पे पहले लगी हुई भी है, मेरे को वो लात अभी तक याद है। तो भाई साहब इसने बदमाशी की है यहाँ पे, और चुंबक चुंबक चिपका दी थी, इसके समस्या होगी निकालने की। खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है, और ये मटकू भाई घी डाल के खा रहे हैं। क्यों भाई? घी डाल के और ऐसे ऐसे करके इसको
ऐसे ऐसे करके बड़े ऊपर में बताया था, इसको ऐसे ऐसे करते हैं चम्मच से और हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ जल जाएंगे मेरे। ऐसा है, बाजरे की खिचड़ी अपन ने खाई ली थी, दाढ़ी कटिंग में आप करवा के आ गया हूँ, शाम के बज चुके हैं 4:30। अब हम चल रहे हैं मार्केट में किसी काम से, दोस्तों को लेकर चलेंगे साथ। मैं आ गया था विकास भाई साहब और रविंद्र भाई साहब के घर पे, अब हम जा रहे हैं नीम का थाना। एक तो पापा जी की दवाई जो है वो खत्म हो गई है डायबिटीज की, उनकी वो दवाई लेके आनी है। ये भाई हमारे गांव के खेत, क्या कह सकते हैं इनको, हम कहते हैं नले पूरा, मतलब ये जंगल है। यहाँ पे काफी पेड़ लगाए गवर्नमेंट ने, लेकिन लोगों ने उखाड़ दिए सब। रास्ते में मटकू भाई का फोन आ गया, तो हमने ड्राइवर भी चेंज कर दिया है। उनका फोन आया कि मैं जलसा होटल के पास खड़ा हूँ, वो शायद अपने पापा जी के साथ घर की तरफ जा रहा था वापस। हमारे को देख करके उसके मन में आ गई कि मैं भी जाऊंगा उनके साथ, अब उसको लेते हैं वापस, चल रहे हैं अपन, उसको लेकर के आएंगे और फिर चलेंगे मार्केट। भाई ये कुत्ता परेशान हो रहा है हमारे को देख करके। भाई साहब ऊंट बैठा है, शिफ्ट किया जा रहा है। किसमें किसमें बैठा है? पिकअप में, पिकअप में उसी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। चार दवाई के पत्ते लेने के लिए कितने चार आदमी लोग आए? चार लोग आए, एक एक उठा लो सब। मेरे को ये चाहिए खाली प्लेट, उसका पेट वाला भी नहीं है। भाई रे वो खाता नहीं है। काज भाई साहब का काम बाकी है अभी, हमारा तो हो गया, दवाई लेनी थी हमारे को, दवाई अपन ने ले ली है और इनके कोई नोट्स वगैरह प्रिंट करवाने हैं। क्या हो गया भाई साहब, मोटे हो गए आप? ये देखो डमी निकल गई। नहीं नहीं शादी हुई है, शादी का पूरा असर आ गया इनके ऊपर। बर्गर खाएगा पताशी खाएगा, बोल फटाफट बोल। पताशी खाना, पताशी खाएंगे, इसको सेवा का मौका जरूर देंगे। पताशी बर्गर, पताशी हेलो। मटकू भाई के साथ पताशी का आनंद ले रहे हैं हम। ये देखो आप, ये लो आप भी खाओ। क्यों भाई कैसा लगा? एक नंबर, एक नंबर। क्यों भाई मजा आ रहा है? मजा आ रहा है लेकिन घर की तरफ कर रहे हैं प्रस्थान। चलो भाई चलो बैठो। भाई मतलब ये अनजान है बिल्कुल भी, अपने से कोई परिचित नहीं है, फिर भी हमारे पे विश्वास किया है। मतलब गाड़ी को लिफ्ट लिए यहाँ पे। इसको एक हमारी राय है कि आगे से जब भी कभी आप जाओ तो बिना जाने पूछे बिना देखे कभी किसी के साथ मत बैठा करो, ऐसे कोई भी परिचित की गाड़ी में ही बैठे। खैर हमने तो इनको लिफ्ट इसलिए दे दी है कि बच्चा, अरे वाह आपका नाम हिमांशु है। हाँ। तो भैया हमारे पिताश्री का नाम भी हिमांशु ही है। तो हिमांशु भैया आपको कांड रोप करना है। विकास भाई साहब के पास हम आ चुके हैं और ये मटकू भाई को लड्डू खिला रहे हो। भाई साहब भी आए,
तभी भाई साहब ये पेट आने का कारण यही है। बबर आवा है मतलब घर पे आए तो अपने को राज तो पता लगा, पता लग गया। थाना में तो हम ये सोच रहे थे पता नहीं शादी होने की वजह से क्या पता पेट बाहर आ गया, पर असली राज तो यहाँ पे रख रखा है। असली राज तो यहाँ रखा है, गिलास की साइज, गिलास की साइज देख लो, ये साइज के ग्लास में दूध भी थे तभी तो पेट आ रहा है। डब्बा को देख लिया आपने, आधा किलो का तो है, आधी किलो का ज्यादा है। भाई साहब हम बैठे हैं अभी विकास भाई साहब के घर पे, लड्डू लेके आ रहे हैं, वो मटकू भाई साहब को लड्डू खिलाए बिना दे देंगे नहीं मानेंगे। जो ओमिक्रॉन की बूस्टर डोज जो हमने पहले वीडियो में बात की थी ना वो यही है, आधा मिल विकास। एक रविंद्र भाई साहब ने लड्डू तो हमारे को खिलाई दिया है, और क्या मंगवा रहे हो बता दो यार। कॉफी मनवा रहे हो, फीकी मीठी, ये कॉफी का आनंद ले रहे हैं सब, ये देखो पियो। ठीक है भैया सी ऑफ करते हैं, कल मिलेंगे, कल मिलते हैं 4 बजे, 4 बजे हाँ पक्का 4 बजे। ठीक है भाई, ठीक है बाय। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और अब करते हैं भोजन। मेरे हिसाब से सुबह जो अपन ने खिचड़ी खाई थी बाजरे की, उसके अपने को पराठे मिलेंगे बने हुए, पराठे खाएंगे। ये देखो भाई साहब मटर की सब्जी, दही, चटनी, हरी चटनी, धनिया की, और खिचड़ी दाल और बाजरे की खिचड़ी के पराठे, मस्त बने।